हे गाइस, वेलकम बैक टू द फ्रेश न्यू व्लॉग ऑफ उत्तराखंड ब्यूटी। सो मैं हूं सचिन, और अगर आप आने वाले कुछ दिनों में टुंगना टेंपल या चोपटा का प्लान बना रहे हो तो आज मैं आपके कुछ मेन डाउट्स क्लियर करने वाला हूं जो आप मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे, और भी कुछ आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप विदाउट प्लानिंग चोपटा टुंगना जाने की सोच रहे हो, सो गाइस आई एम 101% श्योर कि आप वहां पर फंस जाओगे, बिकॉज पिछले कुछ दिन मैं वहीं पर रहा हूँ तो अपना फुल टू एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने चोपटा टुंगनाथ का फुल इन्फॉर्मेटिव व्लॉग नहीं देखा तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हो बट आफ्टर दिस व्लॉग। सो मैं आपको बता देता हूँ कि आज आपके कौन कौन से डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट टू कैरी फॉर चोपटा टुंगनाथ, कोविड रिपोर्ट जरूरी है या नहीं, हाउ टू रीच चोपटा एंड टाइम मैनेजमेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको आगे पता चल जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेयर टू स्टे इन चोपटा एंड ओवरऑल बजट आपका क्या होगा, ये सभी डाउट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट इज व्हाट टू कैरी, जब आप चोपटा आते हो या टुंगनाथ आते हो आपको क्या क्या कैरी करके लाना चाहिए। सो आप जितने भी दिन का टूर प्लान कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो भी यूजफुल आइटम्स हैं वो कैरी कर लो, लाइक क्लोथ्स वगैरह और जो भी है। देन जो मैंडेटरी है चोपटा टुंगनाथ के लिए अब वो बता देता हूँ। फर्स्ट इज पावर बैंक, देन हैंड ग्लव्स, वूलन वाले मत लेना, लेदर काइंड ऑफ लेना जिसमें अंदर पानी वगैरह ना जाए, रेनकोट एंड कोई छोटा बैग ले लेना जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा ट्रैकिंग के टाइम, वो आपको आगे पता चल जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, ड्राई आइटम्स रख लेना लाइक बिस्किट वगैरह, चिप्स वगैरह आगे भी आप रख सकते हो बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप घर से ही रख के चलना। एंड में सबसे ज़रूरी, कोविड रिपोर्ट जो 72 आवर्स की हो, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रख लेना, एटीएम कार्ड रख लेना एंड आधार कार्ड रख लेना, ये सब आप ज़रूर अपने साथ कैरी कर लेना। सेकेंड इज हाउ टू रीच चोपटा, अब यहाँ से टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। सो अगर आप दिल्ली से हो, दिल्ली मैंने इसलिए लिया बिकॉज दिल्ली इज़ अ सेंटर ऑफ आवर इंडिया, बिकॉज जो भी दिल्ली पहुँच जाता है वो कहीं भी आ जा सकता है। सो अगर आप दिल्ली से हो या कहीं से भी हो, आपको आना तो हरिद्वार ही पड़ेगा, बिकॉज मैं आपको हरिद्वार से गाइड कर रहा हूँ इस टाइम। 1% आपको दिल्ली से कुंड लोकेशन के लिए बस मिल भी जाती है, तो आपको कंटिन्यूस 15 आवर्स का ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है। देन हरिद्वार से आपको फर्स्ट बस 4 बजे मिलेगी मॉर्निंग के, देन 5:15 पर, एंड लास्ट है 10:30 सुबह के। सो अगर आप दिल्ली से हो तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक दिन पहले हरिद्वार आ जाओ, रात के 8-9 बजे दिल्ली से निकल जाओ और हरिद्वार पहुँच जाओ, ठीक है। अब आप हरिद्वार पहुँच गए, अब आपको हरिद्वार बस स्टैंड के पास प्राइवेट बसेस मिल जाएगी, तो आपको गौरीकुंड की बस लेनी है जो आपको 8 आवर्स के ट्रैवल के बाद कुंड लोकेशन पर ड्रॉप कर देगी, जिसका वो फेयर लेगी, किराया लेगी 350 रुपये पर हेड, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर 3 बसेस बताई, अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि यार 3 बसेस में से कौन सी बस हम चूज़ करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप या तो 4 बजे वाली लो सुबह की, या 5:15 वाली लो, अदरवाइज़ आप कोई दूसरी बस लेते हो तो आप फंस जाओगे। अब फंस जाओगे मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको देखो फुल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर फंस जाओगे। टाइम मैनेजमेंट करके चलना, सपोज आपने 5:15 वाली बस ले ली तो आप अराउंड 12:30 के आसपास कुंड पहुँच जाओगे आराम से, ये बस का एंड पॉइंट होगा। देन आपको यहाँ से ऊखी मठ के लिए कैब लेनी है जो आपको 5 से 10 मिनट में मिल जाएगी, और वो आपसे चार्ज करेगी 30 रुपीज़ पर हेड, देन वो आपको 15 to 20 मिनट्स में पहुँचा देगी ऊखी मठ। अब आप वहाँ पर रेस्ट कीजिए, कुछ खाइए पीजिए। अब अगर आप 2 बजे से पहले ऊखी मठ पहुँच जाते हो तो आपको शेयरिंग कैब मिल जाएगी, ठीक है, और वो आपसे चोपटा के लिए, चोपटा तक पहुंचाने के लिए 200 रुपीज़ पर हेड चार्ज करेगी, और अगर आप सेपरेट कैब लेते हो तो 1500 रुपीज़। ये बात हुई 2 बजे से पहले की, और 2 बजे से बाद की बात ये है कि अगर चोपटा में स्नोफॉल हो रहा है तो यही कैब आपसे ऊखी मठ टू चोपटा 300 रुपीज़ to 350 रुपीज़ भी चार्ज कर सकती है, जो कि हमने एक्चुअल में पेड किए हैं, और अगर आप सेपरेट कैब करते हो तो 2000 रुपीज़ अगर चोपटा में स्नोफॉल हो रहा है तो, और
चार से पाँच बजे के बाद ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ आपको कोई कैब ना मिले, आपको ओखी मठ में ही स्टे करना पड़े बिकॉज रात में और शाम में वहाँ पर कैब नहीं चलती चोपटा के लिए। सो टाइम मैनेजमेंट करके चलना, इसलिए बोला है मैंने। सो अभी आप ट्रैवल कर रहे हो कैब में और ऊखी मठ से चोपटा जा रहे हो, जो आपको 30-35 मिनट्स में पहुंचा देगी। अब बात आती है कि वेयर टू स्टे इन चोपटा। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप होटल लो जो कि आपको जहां से टुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है वहीं पर मिल जाएगा, जस्ट वहीं पर ही, एंड वो आपसे चार्ज करेगा 1000-1500 रुपीज़ पर हेड अगर रूम वहां पर वैकेंट हुआ तो। ये है होटल के रूम की बात। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो, और ये मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग के डाउट्स ये थे कि कैंप में तो ठंड लगती है, तो मैंने कैंपिंग की है ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मुझको टुंगनाथ में कुछ टूरिस्ट मिले थे, उन्होंने मेरे से कहा कि यार जो हमारे रूम थे वो तो अंदर से बर्फ़ की तरह हो रखे थे। तो मैं आपको एश्योर कर देता हूँ कि यार ठंड वगैरह का कुछ इशू नहीं होता, डबल कंबल होते हैं तो ठंड तो आप भूल ही जाओ। तो अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो तो कैब वाले को बोलना कि हमको बनिया कुंड ड्रॉप करें, यहाँ से टुंगनाथ ट्रैक 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। सो सपोज आप बनिया कुंड उतर गए तो यहाँ पर आपको 40 से 50 कैंप्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ किसी से भी बोल देना कि हमें चौहान जी के कैंप्स जाना है या चौखंबा कैंप्स जाना है, या आप कॉल भी कर सकते हो अगर आपके नेटवर्क आ रहे हैं तो। स्क्रीन पर आपका नंबर शो हो रहा है, आप आराम से कर लेना। या अगर आप पहले से ही घर से सोच के आए हो कि यार मुझको तो कैंपिंग ही करनी है, तो यार आप घर पे बैठ के वहीं से बुक कर लेना, बिकॉज विंटर में आपको वहाँ पर कैंप मिले या ना मिले, बिकॉज टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप घर से बैठ के पहले ही बुक करा लेना, ये मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। तो सपोज़ आपको कैंप मिल गया तो आराम से स्टे कीजिए, बैग कैंप वगैरह में रखिए, घूमिए फिरिए, और नॉर्मल सी बात है यार आप ट्रैकिंग मॉर्निंग में ही स्टार्ट करोगे। अब आ जाते हैं मॉर्निंग में। याद रखना 7 बजे तक आप रेडी हो जाओ, और मैंने जो आपको छोटे बैग के लिए बोला था उसमें आप पावर बैंक, वाटर बॉटल और जो भी ड्राई आइटम्स थे वो सब आप उसमें कैरी रख लो, और जो भी आपके यूज़फुल आइटम्स हैं वो आप उस छोटे बैग में रख लो। बड़े वाला बैग मत लेना वरना आप यार ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है वहाँ पर। सो 7:30 तक आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ब्रेकफास्ट ज़रूर करना, और जो भी यूज़फुल आइटम है वो ग्लव्स वगैरह ये सब अकॉर्डिंग अपने रख लेना। 7:45 पर आप कैंप साइट से बाहर आ जाना, वहाँ पर आपको कैब्स मिल जाएंगी, वो आपसे पर हेड 100 रुपीज़ भी ले सकती है, 150 भी, 200 रुपीज़ भी, 300 भी, सब कुछ स्नो पर डिपेंड है, और वो आपको देना भी पड़ेगा बिकॉज और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता, हमने 200 रुपीज़ पेड किए थे। देन वो आपको 15-20 मिनट्स में टुंगना ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट पर ड्रॉप कर देगी। अब यहाँ पर आपको दो आइटम्स तो मैंडेटरी लेने ही हैं, फर्स्ट इज स्टिक एंड सेकेंड इज स्नो बूट्स। अगर आपके पास स्नो बूट्स और स्टिक हैं तो डायरेक्ट ट्रैक स्टार्ट कर दो, नहीं है तो ये दोनों आपको 100 रुपीज़ पर हेड तो बूट्स लेने पड़ेंगे एंड 30 रुपीज़ स्टिक के देने पड़ेंगे, ये दोनों रेंटल हैं। देन 150 रुपीज़ पर हेड की वहाँ पर एंट्री फीस देनी पड़ेगी। इफ़ यू आर कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट तो 70 रुपीज़ पर हेड है। नाउ यू आर रेडी टू ट्रैकिंग। अब आप आराम से ट्रैक कंप्लीट कीजिए और टुंगनाथ महादेव के दर्शन कीजिए। बस याद रखना ग्रुप में ही रहना, अकेले अकेले ट्रैकिंग मत करना, और ट्राई करना कि आप 12 बजे तक टेंपल पहुंच जाना, वहां पर 1 आवर का स्टे करना, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाना, रील बनवाना, सब कुछ करके 1 बजे तक आप नीचे उतरना स्टार्ट कर देना, बिकॉज 12:30 से और 2 बजे के बीच में वहाँ पर वेदर चेंज होता ही है, तेज़ हवाएँ चलती हैं, विंड चलती है, तो आप फंस सकते हो, क्यों, बिकॉज हम भी वहाँ पर 45 मिनट्स तक स्नो के बहुत ख़तरनाक तूफान में फंसे रहे थे, जिसकी मैं वीडियो भी नहीं बना पाया, इसलिए आपको मैंने नहीं दिखाया, बट हम 45 मिनट्स तक स्नो के तूफान में फंसे रहे थे। 1% आपके साथ ऐसा हो जाता है तो ग्रुप में रहना, कुछ नहीं होगा। अब एंड में बात कर लेते हैं ओवरऑल बजट हमारा क्या होगा, तो मैं एक दिन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। हरिद्वार टू कुंड बस फेयर है 350 रुपये, कुंड टू ऊखी मठ 30 रुपीज़, ऊखी मठ टू चोपटा 300 रुपीज़, कैंप्स और रूम्स के जो होटल चार्जेस होंगे वो 1500, मैं मान रहा हूँ 1000 भी हो सकते हैं, कैंप्स टू
टुंगना ट्रैक 200 रुपीज़, स्टिक एंड शूज़ के 130, एंट्री फीस 150 और जो अदर एक्सपेंसेस है वो आप 500 के आसपास मान लो, तो टोटल आपका हो जाएगा 2,860 रुपीज़। आप इसको राउंड फिगर में कर लो तो 3,000 रुपीज़ पर डे फॉर वन पर्सन, ठीक है, ये आपका बजट आएगा 3,000 रुपीज़। तो इससे कम का यार मुझको नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा, वो आपके अकॉर्डिंग है, बट ये तो लगेगा ही लगेगा। सो गाइज, ये था पूरा झोपटा टुंगनाथ का एक क्लियर कट बजट ट्रिप। आई होप आप सबके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर और कोई डाउट है तो मुझको बता देना, मैं ट्राई करूँगा कि उसको भी क्लियर कर दूँ। इससे इजी वे में यार मैं आपको बता नहीं सकता, आप कमेंट में मेरे से ये सब डाउट पूछ रहे थे तो कमेंट में इतना सब कुछ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार एक सेपरेट व्लॉग बना दूँ जिससे थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे ही इन फ्यूचर उत्तराखंड के व्लॉग्स देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल उत्तराखंड ब्यूटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना। हम मिलते हैं आपको न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।